एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दो डिफरेंट लुक्स, यानी कि आपके एवरीडे या फिर आप इन लुक्स को ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। ऐसे दो डिफरेंट लुक्स जो दो डिफरेंट बॉडीज पे आपको दिखाए जाएंगे। स्टाइल्स दोनों के डिफरेंट है, बॉडी शेप्स दोनों की डिफरेंट है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको डिफरेंट चॉइसेस देखने को मिलेंगी। तो इन दोनों में से एटलीस्ट एक से तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो याद से इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी टाइप की स्टाइल या फैशन से रिलेटेड कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। वैसे हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका कोई भी ऐसा इश्यू है जो डिजाइन या स्टाइल से रिलेटेड है, उसका आंसर आपको हमारी वीडियोज में ही मिल जाएगा। बट अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आप हमें ईमेल कीजिए। आपको किस तरीके से कंसल्टेशन का प्रोसेस है, उसकी क्या पैकेजेस हैं, हर चीज की इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल में ही दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। तो यहाँ पे हम दो आउटफिट्स आपको दिखाएंगे। एक आउटफिट मेरा है और एक आउटफिट ममता का है। हम दोनों की जो बॉडी टाइप्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, एंड ऑल्सो हम दोनों ने जो आउटफिट्स के प्रिंट्स लिए हैं वो डिफरेंट हैं। कलर्स और कलर कॉम्बिनेशंस सेम हैं, स्टाइल्स डिफरेंट हैं। एंड ऑल्सो दो बॉडी टाइप्स जो यहाँ पे हमने बात की है वो है स्लिम और प्लम। प्लम बॉडी टाइप जो होती है, इसकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेंगी, लेकिन हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको इजिली समझने में हेल्प करेंगे। प्लम बॉडी टाइप की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट राउंड शेप में होती है। कॉलर बोन आपको विजिबल होगा उसमें, ऐसी बॉडी टाइप के लोगों के कॉलर बोन्स विजिबल होते हैं। स्लाइटली फैट होते हैं लेकिन इनकी जो वेस्ट लाइन है वो काफी प्रोमिनेंट होती है और आपको विजिबल होती है। एंड यूजुअली ये साइज मीडियम या साइज लार्ज पहनते हैं। मेरा बॉडी टाइप आर ग्लास है, विच मीन्स मेरी बस्ट मेजरमेंट्स और हिप मेजरमेंट्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम। वेस्ट मेजरमेंट सबसे कम मेजरमेंट है। सो लेट्स सी कि मेरा स्टाइल क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा जो सूट है ये एक बेसिक ट्राउजर सूट है, स्ट्रेट फिट सूट है। फैब्रिक कॉटन है। ओवरऑल टॉप बॉटम एंड दुपट्टा तीनों चीजें कॉटन में है। तीनों के प्रिंट्स डिफरेंट हैं, बट कलर स्कीम्स आर समवट कॉमन एंड सिमिलर, दैट्स वाई तीनों आपस में मैचअप हो रहे हैं। फैब्रिक का जो प्रिंट है ये ब्लॉक प्रिंट है, ब्लॉक पेंट नहीं है, ओरिजिनल ब्लॉक पेंटेड सूट नहीं है, ये ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है यहाँ पे। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरा वेस्ट साइज काफी कम है तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक एक्यूरेट फिट के लिए डार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो फ्रंट वेस्ट लाइन डार्ट्स होती है मेरे कुर्ताज में, बैक की डार्ट्स होती हैं एंड शोल्डर डार्ट्स होती हैं। सो इफ यू आर समवन जिनको एक यू नो परफेक्ट फिट चाहिए लेकिन अगर आप साइड से शेप देते हैं तो वो ज्यादा, क्योंकि आपका मेजरमेंट यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा हो रहा है, बस से वेस्ट आने में ज्यादा डायगोनल क्रिएट हो रहा है, तो वो कई बार एक नीट फिनिश नहीं आ पाता आपकी साइड शेप पे। तो उस केस में साइड से पूरा फिट मत दीजिए, आप फ्रंट और बैक डार्ट्स लेके आ सकते हैं आपकी वेस्ट लाइन पे, जिससे आपका जो फिट है वो थोड़ा शार्प और नीट आएगा। इस कुर्ता सेट के साथ जो बॉर्डर आया था फैब्रिक के साथ, आपको यूजुअली कॉटन के फैब्रिक्स के साथ प्रिंटेड बॉर्डर्स भी अटैच्ड ही मिलते हैं। उस बॉर्डर का इस्तेमाल कुर्ता की साइड स्लिट्स में किया है, नेक लाइन और स्लीव्स पे किया है। इसकी नेक लाइन शार्प वी नेक लाइन है। वी नेक लाइन मेरे करंट ऑब्सेशंस में से एक है, इसीलिए मेरे जो रीसेंट कुर्ताज हैं उसमें आपने वी नेक लाइन्स को स्पॉट किया होगा। सो वी नेक लाइन आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इसे ब्रॉड भी रख सकते हैं, अगर आपको ब्रॉड नेक लाइन्स पसंद है एवरेज भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। मेरा जो ट्राउजर है ये एक स्ट्रेट ट्राउजर है जिसके नीचे एक ब्रॉड फोल्ड दिया गया है। अगर आप ट्राउजर्स पहनते हैं और उसमें ब्रॉड फोल्ड आते हैं तो वो फोल्ड की वजह से, क्योंकि वहां पे ज्यादा फैब्रिक आ जाता है, एक हल्का सा वेट ऐड होता है जो कि एक शार्प फिनिश ऐड करता है आपके ट्राउजर में। एंड कॉटन्स आर परफेक्ट फॉर ट्राउजर्स, तो आपके कॉटन के जो भी ट्राउजर्स हैं उसमें जो नीचे का फोल्ड है उसे आप ब्रॉड रखवा सकते हैं। किसी भी टाइप की पेस्टिंग की जरूरत नहीं है, सिंपली ब्रॉड कपड़े का फोल्ड आप वहां पे रख सकते हैं। ये चीज करने से आपके ट्राउजर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से क्रिएट होता है। दुपट्टा जो प्रिंटेड दुपट्टा है इसपे बहुत छोटे छोटे टैसल्स हैं दोनों तरफ की विड्थ पे, जिसमें दो या तीन बीड्स को ऐड करके इस तरीके का पैटर्न क्रिएट किया गया है। सो ये ओवरऑल जो सूट सेट है, ओवरऑल जो लुक है, इट्स वेरी मिनिमल। एंड ऑल्सो इसका जो फुटवेयर है वो ब्राउन कलर की जूतीज हैं, बिकॉज येलो एंड ब्राउन गोज अमेजिंगली वेल विद ईच अदर। अगर आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हो तो येलो किसी भी टाइप का हो उसके साथ आप ब्राउन फुटवेयर्स भी कैरी कर सकते हैं। एंड बिकॉज आई रियली लाइक ट्रेडिशनल एथनिक थिंग्स, इसीलिए इस पूरे आउटफिट को जूतीज के साथ पेयर अप किया है। इस पूरे लुक के साथ एक और एक्सेसरी को पेयर अप किया गया है, वो है वुडन बन पिन। इस तरीके के पिन आपको इजिली मिल जाते हैं।
बिकॉज यू नो ऑल दीज थिंग्स, ये पूरा थीम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जाता है. कॉटन फैब्रिक है, यू हैव दीज अर्दी कलर्स गोइंग ऑन विद इट, तो वुडन एज अ मटीरियल, वुड एज अ मटीरियल बहुत अच्छे से जाएगा अगर आप किसी भी टाइप की हेयर एक्सेसरी यहाँ पे एड कर रहे हैं. एंड दैट वुड का जो ब्राउन कलर है वो भी येलो के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा. सो ये एक बहुत ही मिनिमल लुक है, इसमें बहुत कम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और इस तरीके के लुक्स आर वेरी इजी टू कैरी, बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी टाइप के आउटफिट में. तो हम चलते हैं अपने सेकेंड लुक की तरफ. सबसे पहले हम स्लिम बॉडी टाइप को समझ लेते हैं. स्लिम बॉडी टाइप का डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. स्लिम बॉडी टाइप ऐसी बॉडी टाइप होती है जो थिन होती है, पतली होती है, उसमें किसी भी टाइप के बल्जेस नहीं होते, एक्सेस फैट नहीं होता किसी भी बॉडी पार्ट के अराउंड, एक वेल डिफाइंड बॉडी शेप होती है और यूजुअली स्मॉल साइज पहनते हैं या मीडियम साइज पहनते हैं. तो ममता की बॉडी टाइप एक पियर बॉडी टाइप है, विच मीन्स लोअर जो बॉडी टोर्सो है उसका मेजरमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अपर बॉडी टाइप. फैब्रिक इसका कॉटन है और जो प्रिंट है ये बांधनी प्रिंट है. सो दोनों फैब्रिक्स, पिछला जो मेरा आउटफिट है उसका ब्लॉक प्रिंट और ये बांधनी प्रिंट, दोनों प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं, यानी कि ये ट्रेडिशनल पेंटिंग या ट्रेडिशनल डाइंग टेक्निक से नहीं बनाए गए हैं. इस आउटफिट का जो टॉप एंड बॉटम है ये कॉम्बिनेशन है प्रिंटेड और प्लेन आउटफिट का. इसमें ओवरऑल एक ही कलर स्कीम को यूज किया गया है. पिछले लुक से ऑपोजिट ये एक स्ट्रेट आउटफिट नहीं है बल्कि एक फ्लेरी आउटफिट है. एक फ्लेरी प्लाजो है और फ्लेरी कुर्ता है. कुर्ता की कंस्ट्रक्शन में तीन पैनल्स यानी कि तीन कलियों का इस्तेमाल किया गया है. फ्रंट में तीन कली है, बैक पे तीन कली है और इतनी कलीज इनफ होती है. अगर आपको एक मॉडरेट फ्लेयर चाहिए, एवरीडे लुक चाहिए, ऑफिस लुक चाहिए तो इतनी कलीज आर इनफ. इससे ज्यादा कलीज अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा फ्लेरी हो जाता है, जो मे बी ऑफिस अप्रोप्रिएट या डेली आउटर वेयर अप्रोप्रिएट आपको ना लगे. इसकी नेकलाइन है एक्सटेंडेड कॉलर नेकलाइन. एक्सटेंडेड कॉलर नेकलाइन के बारे में हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बात भी कर चुके हैं, आपको दोबारा बता देती हूँ. ऐसी नेकलाइन होती है जिसमें बैन यानी कि जो आपका कॉलर है और आपकी जो फ्रंट प्लाकेट है वो कंटिन्यूअसली एक ही कपड़े की पट्टी से क्रिएट की जाती है. उसमें आपको कोई ब्रेकेज नहीं दिखेगा. यूजुअली जो कॉलर्स होते हैं आपको उसमें ब्रेकेज दिखता है, एक सेपरेट कॉलर अटैच हुआ है, फ्रंट प्लाकेट जो होती है वो सेपरेट होती है, बट कॉन्टिन्यूअस वी नेकलाइंस में ऐसा नहीं होता. एंड ऑल्सो इसकी जो फ्रंट प्लाकेट है उसे एक बहुत ही सटल तरीके से कॉटन थ्रेड की लेस से हाईलाइट किया गया है. ऐसी लेसेस आपको मार्केट में किनारी लेसेस के नाम से भी मिल जाएंगी. इसकी जो स्लीव्स हैं वो एल्बो स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे एक फोल्डेड कफ का इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है. सेम फैब्रिक यूज किया है एंड उसको हाईलाइट किया है सेम किनारी लेस से जो नेकलाइन पे यूज हुई है. सो दीज लिटल सटल थिंग्स आप अपने आउटफिट में एड कर सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए. बिकॉज इसमें बहुत कम चीजों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये एक आउटर वेयर और एक ऑफिस वेयर के लिए इतना अप्रोप्रिएट है. ब्राउन ब्लॉक हील, तो अगर आप हील्स पहनना पसंद करते हैं तो आपके डेली वेयर के जो हील्स हो सकते हैं वो ब्लॉक हील्स हो सकते हैं. बहुत ज्यादा ऊंची हील की आपको जरूरत नहीं है, अ मॉडरेट लेंथ इज इनफ इस टाइप के आउटफिट को फ्लॉन्ट करने के लिए. एंड ऑल्सो अगर आपके पास फ्लेरी प्लाजोज हैं देन हील्स जो है वो प्लाजोज के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं. And also adds the illusion of length to your whole look. So, एक थोड़े से modern Indian ethnic look के लिए आप इन elements को अपने outfit में add कर सकते हैं कि block heels, आपके जो footwear हैं वो traditional ना होकर block heels हो सकती हैं, which are very comfortable. आपकी necklines different हो सकती हैं यहाँ पे. And also सिर्फ एक accessory है जो वो अपने outfit के साथ यहाँ पे pair up करना पसंद करते हैं, वो है watch. So that's it. एक complete formal look आपका यहाँ पे create हो गया. दोनों looks में एक्सेसरीज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन्हें मिनिमल रखा गया है, विच आई थिंक आपको बहुत से एस्पेक्ट्स में हेल्प करेगा. इट्स समर, आप नहीं चाहते आप पे बहुत सी चीजें आप लोड करके अपना एक पूरा लुक क्रिएट करें. मिनिमल सटल लुक्स आपके एवरीडे और ऑफिस लुक्स के लिए आर परफेक्ट. सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इन दोनों लुक्स में से आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद आया प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स पे, डिफरेंट बॉडी फ्रेम्स पे किस तरीके के आउटफिट्स कैसे दिखते हैं, विच आई थिंक विल हेल्प यू अ लॉट अपने आउटफिट्स को डिसाइड करने के लिए, अपने आउटफिट्स को फाइनलाइज करने के लिए. ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन जरूर शेयर कीजिएगा. हमारे व्यूअर हैं जिनका नाम है शाहीन काजी, उन्होंने कल हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट किया था. वो एक डॉक्टर हैं जो 25 साल से काम कर रही हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक और रिसेंटली उन्होंने कोविड-19 को भी बीट किया और वापस अपने काम पे आ गई हैं. आई थिंक शी इज समवन जिनको बहुत अप्रिसिएशन की यहाँ पे जरूरत है, बिकॉज ऐसे लोग ही हैं जो ऐसे क्रिटिकल टाइम्स पे हमारे काम आ रहे हैं बजाय इसके कि वो और लंबा ब्रेक लेते. एंड ऐसी चीज जिससे हम अभी, हमें से हर इंसान डरा हुआ है एंड वी प्रे
कि हमें या हमारे जो चाहने वाले उनमें से किसी को ये चीज टच ना करे, वो उस चीज को बीट करके वापस काम में आई है, वापस उस माहौल में आई है जहाँ पे ना जाने वो अभी और कितने लोगों को हील करेंगी। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, आई रियली फील दैट इज सो मच ब्रेव ऑफ हर कि उन्होंने सिर्फ उतना टाइम ऑफ लिया जितना रिक्वायर्ड था और वापस से अपने काम पे आ गई हैं। आई थिंक हम लोगों को ऐसे लोगों के स्पिरिट्स की प्रेज करनी चाहिए, ये बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत ऑनर्ड हैं कि ऐसे लोग हमारे व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच शाहीन जी फॉर बींग सो ब्रेव एंड फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। वी आर सो प्राउड ऑफ यू।